आज हमारे साथ हैं जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम जी। कलेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी हाल ही में हैदराबाद में जो घटना हुई है, भीभत्स घटना, जैसे मतलब रेप और मर्डर की, तो उसके बारे में आप जयपुर जिला कलेक्टर होने के नाते अपने ज़िले में कौन से ऐसे प्रयास करना चाहते हैं या करना चाहेंगे जिससे इस तरह की घटनाएँ ना हो, अंकुश लग सके? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जो विभिन्न तरह के अपराध हो रहे हैं उनको लेकर के आज ही हमने यहाँ समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें विभिन्न विभागों को ऑलरेडी जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत किस तरह से मॉनिटरिंग की जानी है उसको लेकर के समीक्षा की है। गरिमा हेल्पलाइन भी है, जहाँ पुलिस की मॉनिटरिंग की बात हो या पुलिस की गश्त की बात हो, उन सभी बिंदुओं पे हमने एक समीक्षा की है। जो महिला अधिकारिता विभाग है उनके द्वारा भी बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही है और बहुत सारा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है और जो लोगों में अवेयरनेस, समाज में अवेयरनेस है और लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजीज है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नहीं नहीं ये कैंडल मार्च करना, ये अवेयरनेस की, जागृति की बातें करना, ये पूरी तरह से कारगर अभी सिद्ध नहीं हो पा रही है। एक्शन में क्या चीज़ एकदम से, जैसे आज हम फील करें कि आज से ही क्रियान्वित की जा सके जिससे आज नारी सुरक्षा फील कर सके अपने आप में? ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएट रूप से हैं काफ़ी काम हो रहा है पुलिस विभाग के थ्रू, अन्य जो महिला अधिकारिता विभाग के थ्रू, इनके जो गश्त करने के सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज करके सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करने की बात हो, चाहे एप्लीकेशन जो है मोबाइल में एंड्रॉयड और आईफोन के थ्रू जो ऐप है उनके थ्रू यूज करने की बात हो, चाहे विभिन्न जो महिला संगठन है उनको किस तरह से भागीदारी बनाएं और किस तरीके से उसको ठीक करें, थानों में जो सेंसिटिविटी लाने की बात है, संवेदनशीलता लाने की बात हो, विभिन्न जो अधिकारी इस विषय से जुड़े हुए हैं उनमें भी संवेदनशीलता विकसित करने की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। तो आप प्रायोरिटी बेस है अपने कार्य उसमें लेंगे? बिल्कुल, ये राज्य सरकार की भी प्रायोरिटी है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सभी विभाग इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। तो कब तक हम आश्वस्त मान सकते हैं आपसे कि आप इस काम में सफल हो पाएंगे? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो डायरेक्शंस है, जो मैकेनिज्म्स है, ताकि समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं हो और लोगों की मेंटेलिटी में भी परिवर्तन हो, जो इस तरह के लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है या अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। DM साहब ने बहुत बहुत हमारा संतोषजनक जवाब दिया। हम आशा करते हैं कि DM साहब अपने कार्य में सफल हो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।